अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हैदराबादी दम का मुरक बनाने जा रही हूँ। उसके लिए 2 किलो चिकन, 1 टेबलस्पून मिर्ची, 1 टेबलस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 20 बादम, 20 काजू पीस ली मैं इसको, और ये 4 टेबलस्पून तेल, 1 कप दही, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन, 2 मीडियम साइज प्याज, पुदीना, कोतमीर, नींबू, 4 हरी मिर्चियाँ। अब मैं चिकन को मैरिनेट कर ले रही हूँ। उसके लिए अदरक लहसुन, हल्दी है, मसाले, दही, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर ली और इसको मैरिनेशन के लिए 1/2 घंटा रख दे रही मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लगन रख ली, तेल डाल दी उसमें, तेल गरम हो गया, प्याज डाल दी, प्याज को अच्छे से ब्राउन कलर कर लेना। प्याज ब्राउन हो गई, इसको निकाल देना। प्याज लाल करे से तेल में, एक गोश्त को डाल दी मैं इसमें, अच्छे से मिक्स करके 1-5 मिनट फुल फ्लेम पे पकाना है। हाई फ्लेम पे मैं इसको हिला लेते हुए 5 मिनट पका ली और इसमें 4 गिलास पानी, 4 गिलास पानी डाल दे रही हूँ इसमें। अभी इसको 1 मिनट हाई फ्लेम पे 1 मिनट रखिए। उसके बाद इसमें थोड़ी दालचीनी, 3 लौंग, 3 इलायची, थोड़ा सा शाहजीरा डाल दी मैं और इसको दम पे पकाना है। 20 मिनट तक दम पे पकाइए। अब इसको लो फ्लेम पे 20 मिनट तक अच्छा पकाइए और 20 मिनट हो गए, मैं इसको पक गया। देखिए इसमें नींबू, प्याज से गार्निश कर देंगे मैं, कोतमीर, पुदीना, अभी इसको 1-5 मिनट दम पे रख, लो फ्लेम में 5 मिनट रखिए।
5 मिनट हो गए, दम का मुरक बन गया। हैदराबादी दम का मुरक तैयार है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।